नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ काफी ज्यादा अच्छे होंगे। जैसा कि आपको पता है कि जिम्बाब्वे और इंडिया के बीच में इस T20I का फोर्थ मुकाबला खेले जाने वाला है। अब इस वाले मुकाबले की हमको ग्रैंड लीग की टीम किस तरीके से क्रिएट करनी चाहिए, और पिछले तीन मुकाबले हुए हैं जिनमें से दो मुकाबले इंडिया ने जीते हैं और एक मुकाबला जिम्बाब्वे ने जीता है। और ये जो मुकाबला है ये इंडिया के लिए जितना इम्पोर्टेंट नहीं है उतना ही ज्यादा जिम्बाब्वे के लिए है, और जिम्बाब्वे इस वाले मुकाबले को जीतने की पूरी कोशिश करने वाला है। अगर जिम्बाब्वे इस वाले मुकाबले को जीत लेता है तो भाई उसको एक चांस और मिल जाता है इस सीरीज को जीतने के लिए, क्योंकि इस मुकाबले को जीतने के बाद दो मुकाबले जिम्बाब्वे जीत जाएगा और दो मुकाबले इंडिया ने जीत लिए हैं। तो पांचवा जो T20I मुकाबला होगा उसके अंदर ये दोनों ही टीमें काफी कंपटीशन के साथ खेलने भी वाली है। लेकिन ये पांचवा मुकाबला इंटरेस्टिंग कब होगा, जब ये मुकाबला जो है जिम्बाब्वे जीतेगी। तो इसीलिए भाई इस वाले मुकाबले को जिम्बाब्वे जीतने की पूरी कोशिश करने वाली है। तो अब की बार आप अपनी ग्रैंड लीग की टीम के अंदर जिम्बाब्वे के खिलाड़ी भी बढ़ा के चल लेना, और वो कौन से खिलाड़ी बढ़ाना है वो तो आज इस वाली वीडियो के अंदर मैं आपको डिटेल से बताने ही वाला हूं। लेकिन सबसे कंफ्यूज करने वाली बात तो यहाँ पर अब ये आने वाली है कि भाई पिछले मुकाबले के अंदर वॉशिंगटन सुंदर ने 3 विकेट चटकाए हैं और ये CVC भी बन के आए थे, तो क्या अब की बार भी हमको वॉशिंगटन सुंदर को CVC बनाना चाहिए या फिर नहीं बनाना चाहिए, या फिर अब की बार जो CVC के लिए ऑप्शन होगा वो कोई और ही खिलाड़ी हो सकता है। क्योंकि पिछले मुकाबले के अंदर आपने देखा है कि भाई अभिषेक शर्मा भी फ्लॉप गए हैं, तो काफी सारे लोग तो भाई इनको भी CVC नहीं बनाने वाले हैं। लेकिन इस सीरीज के अंदर भाई सेंचुरी मारने वाले भी अभिषेक शर्मा ही है, ये चीज भी आपको पता है। तो क्या अभिषेक शर्मा बेस्ट खिलाड़ी होंगे CVC के लिए या फिर नहीं होने वाले हैं, या फिर अब की बार जो बेस्ट CVC का ऑप्शन होगा वो बोलिंग वाले सेक्शन में हो सकता है, क्योंकि रवि बिश्नोई भी काफी जबरदस्त खिलाड़ी है और आवेश खान भी काफी जबरदस्त खिलाड़ी है। तो क्या जिम्बाब्वे के ये ज्यादा से ज्यादा विकेट चटका सकते हैं इस बार ये, और ये अगर इस बार चटकाते हैं तो भाई क्या CVC के लिए भी बेस्ट खिलाड़ी ये हो सकता है या फिर नहीं हो सकता है, ये भी इस वाली वीडियो के अंदर मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। और साथ ही साथ हम ये भी देखने वाले हैं कि भाई बैटिंग वाले सेक्शन में अगर हमको किसी खिलाड़ी को लेना है तो भाई वो कौन से खिलाड़ी को लेना चाहिए और कौन से खिलाड़ी को ड्रॉप आउट करना चाहिए, ये भी चीज आपको इस वाली वीडियो के अंदर डिटेल से मिलने वाली है। और अगर आप भी इस वाले मुकाबले की मेगा ग्रैंड लीग की टीम बना के अच्छी खासी विनिंग करना चाहते हो तो इस वाली वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखना, क्योंकि इस वाली वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कि इन सभी खिलाड़ियों में से कौन से खिलाड़ी ऐसे होंगे जो कि अब की बार फ्लॉप जाने वाले हैं, और कौन से खिलाड़ी ऐसे होंगे जो कि भाई सबसे जबरदस्त परफॉर्मेंस करेंगे, और इन सभी खिलाड़ियों में से अब की बार हमारे लिए वो दो खिलाड़ी कौन से बेस्ट CVC के होने वाले हैं। और गाइज इस वाली वीडियो के अंदर मैं आपके लिए एक ऐसा ऑफर लेके आया हूँ जो कि भाई फैंटेसी की दुनिया में आपको और कहीं नहीं मिलेगा। आपको मिलेंगे 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं पूरे 5 मेगा कॉन्टेस्ट, वो भी सिर्फ 1 रुपए में। दोबारा सुनो, 5 मेगा कॉन्टेस्ट खेल सकते हो वो भी सिर्फ 1 रुपए में। बस जानने के लिए वीडियो देखते रहो, और वीडियो के एंड में मैं आपको ग्रैंड लीग की रिक्सी टीम भी बना के बताने वाला हूँ जो कि आपको काफी ज्यादा हेल्प भी करेगी। तो ये सारा कुछ आपको इसी एक वीडियो के अंदर देखने को मिल जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और लाइक का टारगेट ओनली फॉर 2000 लाइक का है, और मुझे उम्मीद आप सभी 2000 लाइक तो पूरा करवाई दोगे। तो भाई जिसने भी अभी तक लाइक का बटन नहीं दबाया तो भाई फटाफट से जाके लाइक का बटन दबा देना, और मुझे कमेंट करके जरूर से बताना कि इस वाले मुकाबले के लिए आप टोटल कितनी टीमें बना रहे हो, ये भी मेरे को कमेंट करके बता देना। तो चलिए फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं इन सभी खिलाड़ियों में से कौन सा खिलाड़ी फ्लॉप जाने वाला है और कौन सा खिलाड़ी बेस्ट परफॉर्मेंस करेगा। तो सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं विकेट कीपर वाले सेक्शन की। ऊपरी पर देखोगे तो यहाँ पर आपको संजू सैमसन देखने को मिल जाएंगे, मडांडे देखने को मिल जाएंगे, ध्रुव जुरेल देखने को मिल जाएंगे और मरुमनी देखने को मिल जाएंगे। ये चार खिलाड़ी आपको विकेट कीपर वाले सेक्शन में देखने को मिल जाते हैं। अब इन चारों खिलाड़ियों में से कौन सा खिलाड़ी फ्लॉप जाने वाला है, कौन सा खिलाड़ी बेस्ट परफॉर्मेंस करेगा, वो मैं आपको बता देता हूं। तो सबसे पहले यहां पर बात करते हैं संजू सैमसन की। आपको बताइए कि भाई पिछले मुकाबले के अंदर संजू सैमसन की जो बैटिंग है वो हमको काफी ज्यादा नीचे देखने को मिली है, मतलब 2-3 विकेट निकलने के बाद ये बैटिंग करने आए थे। उससे पहले ही आपको बताइए कि भाई शुभमन गिल चल चुके थे, उस टाइम ऋतुराज गायकवाड़ चल चुके थे और थोड़ा बहुत यहाँ पे यशस्वी जायसवाल भी चले थे। उन तीन खिलाड़ी चलने की वजह से भाई कहीं ना कहीं यहाँ पे इनकी जो बैटिंग है वो हमको लेट देखने को मिली है, और ये लगभग 17वें या फिर 18वें ओवर के आसपास बैटिंग करने भी आए थे उस टाइम, इसीलिए भाई ये ज्यादा रन यहाँ पर नहीं बना पाए थे। लेकिन इस बार आपको बताइए कि भाई जिम्बाब्वे जीतने की पूरी कोशिश करने वाली है, तो इंडिया के जो टॉप ऑर्डर है वो भी जल्दी आउट हो सकते हैं। तो इसीलिए अगर इंडिया के टॉप ऑर्डर जल्दी आउट होते हैं तो भाई संजू सैमसन यहाँ पे बैटिंग करने जल्दी भी आएंगे, और संजू सैमसन अगर 10 ओवर या फिर 12 ओवर के आसपास बैटिंग करने भी आते हैं तो भी भाई आपको अच्छे खासे रन बना के दे सकते हैं। इसीलिए भाई संजू सैमसन अब की बार इंपोर्टेंट होने वाला है। इसीलिए भाई विकेट कीपर वाले सेक्शन में भाई संजू सैमसन का ऑप्शन बेस्ट होने वाला है। तो भाई आप अपनी ग्रैंड लीग की टीम के अंदर तो इनको जरूर से लेके चलना। बाकी भाई नीचे देखोगे तो यहाँ पर आपको मडांडे देखने को मिल जाएंगे। पिछले मुकाबले के अंदर मैंने बोला था कि भाई मडांडे एक बेस्ट खिलाड़ी होंगे, अच्छे खासे रन भी बनाएंगे, और ऐसा ही हुआ था। पिछले मुकाबले के अंदर आपने देखा है कि भाई काफी अच्छे रन भी इन्होंने बनाए हैं, और रीजन भी मैंने आपको दिया था कि भाई 7वें नंबर के आसपास ये बैटिंग करने आएंगे और जिम्बाब्वे की विकेट जल्दी निकलेगी, तो इसीलिए भाई ये टिकने वाले हैं और रन भी बनाएंगे, और ऐसा ही हुआ था, ये अच्छे खासे रन भी बनाए थे। और इस वाले
वाले मुकाबले के अंदर भी भाई इनका ऑप्शन बेस्ट होने वाला है, तो भाई आप अपनी हर टीम के अंदर इनको भी जरूर से लेके चलना, क्योंकि बैटिंग ऑर्डर अब की बार भी इनका काफी जबरदस्त होने वाला है और जिम्बाब्वे के टॉप ऑर्डर अब की बार भी आउट होंगे, लेकिन भाई जिम्बाब्वे बॉलिंग से वापसी करने की कोशिश पूरी करेगा, तो इसीलिए भाई बॉलर जो है वो जिम्बाब्वे के अब की बार बढ़ा के ही चलना। बाकी मडांडे अब की बार विकेट कीपर वाले सेक्शन में इंपोर्टेंट खिलाड़ी होगा, तो भाई आप इनको जरूर से लेके चलना। बाकी ध्रुव जुरेल की बात की जाए तो भाई संजू सैमसन लाइनअप में आएंगे, तो भाई यहाँ पे लाइनअप में नहीं आने वाले हैं, तो भाई आप इनको छोड़ के चल सकते हो जो कि भाई ज्यादा इंपोर्टेंट खिलाड़ी नहीं होंगे, और मरुमनी को भी आप छोड़ के चल सकते हो जो कि भाई ये भी आपके लिए इंपोर्टेंट खिलाड़ी नहीं होने वाले हैं, क्योंकि भाई ये टॉप ऑर्डर में बैटिंग करने आएंगे और इनका विकेट वैसे भी जल्दी निकलने वाला है, इसीलिए भाई ये फ्लॉप जाने वाले हैं, आप इनको छोड़ के जल्दी लेना। बाकी विकेट कीपर वाले सेक्शन में अगर देखा जाए तो भाई ये दोनों ही खिलाड़ी इंपोर्टेंट होंगे जिनको आप लेके चल सकते हो, बाकी नीचे के ये दो खिलाड़ी है आप इनको वैसे भी छोड़ देना जो कि भाई आपके लिए इंपोर्टेंट खिलाड़ी नहीं होने वाले हैं। बाकी क्या इन दोनों खिलाड़ियों को विकेट कीपर वाले सेक्शन में हमको सीवीसी क्रिएट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए वो मैं आपको वीडियो का आगे बता दूंगा। बाकी अब मैं आपको बता देता हूँ कि बैटिंग वाले सेक्शन में कौन सा खिलाड़ी फ्लॉप जाने वाला है और कौन सा खिलाड़ी बेस्ट परफॉर्मेंस करेगा। ऊपरी पर देखोगे तो यहाँ पर आपको शुभमन गिल देखने को मिल जाएंगे, यशस्वी जायसवाल देखने को मिल जाएंगे, फिर नीचे देखोगे तो यहाँ पर आपको ऋतुराज गायकवाड़ देखने को मिल जाएंगे, इसके बाद यहाँ पर रिंकू सिंह देखने को मिल जाएंगे, और नीचे आओगे तो यहाँ पर आपको मधुवीरा देखने को मिल जाएंगे, फिर इसके बाद इनोसेंट काया देखने को मिल जाएंगे, और नीचे आओगे तो यहाँ पर आपको शुम्बा देखने को मिल जाएंगे, रियान पराग देखने को मिल जाएंगे, कैम्बल देखने को मिल जाएंगे और माइट्स देखने को मिल जाएंगे। ये सारे के सारे खिलाड़ी आपको बैटिंग से देखने को मिल जाते हैं। अभी इन सारे खिलाड़ियों में से कौन सा खिलाड़ी बेस्ट होगा और कौन सा खिलाड़ी फ्लॉप जाने वाला है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं शुभमन गिल की। पिछले मुकाबले के अंदर अगर देखा जाए तो भाई शुभमन गिल ने काफी जबरदस्त बैटिंग की थी, और जो फर्स्ट T20I मैच था उसके अंदर भी आपने देखा है कि भाई जिम्बाब्वे के सामने इन्होंने भी रन बनाए थे अच्छे खासे, यानी कि भाई दो जो मुकाबले पिछले गए हैं उसके अंदर शुभमन गिल ने अच्छे खासे रन बनाए थे, लेकिन भाई ये जो मुकाबला है ये काफी ज्यादा इंपोर्टेंट मुकाबला होगा जिम्बाब्वे के लिए, और जिम्बाब्वे विकेट काफी ज्यादा और काफी जल्दी निकालने वाली है टॉप ऑर्डर के अंदर, इसीलिए भाई अब की बार शुभमन गिल फ्लॉप जा सकते हैं। मैं मानता हूं कि पिछले मुकाबले के अंदर इन्होंने अच्छे खासे रन भी बनाए थे, लेकिन अगर आपको एक ग्रैंड लीग की रिक्सी टीम बनानी है तो भाई उसके अंदर अगर आप ड्रॉप आउट भी करना चाहो तो भाई शुभमन गिल को कर सकते हो, क्योंकि भाई अब की बार जिम्बाब्वे वापसी करने की कोशिश करेगी तो भाई विकेट इनका जल्दी निकलेगा, तो इसीलिए भाई आप इनको छोड़ के चल सकते हो अब की बार जो कि भाई ज्यादा इंपोर्टेंट खिलाड़ी आपके लिए नहीं होने वाले हैं। बाकी नीचे देखोगे तो यहाँ पर आपको यशस्वी जायसवाल देखने को मिल जाएंगे। टोटल तीन मुकाबले हुए हैं जिनमें से दो मुकाबलों के अंदर तो ये लाइनअप में नहीं आए थे, लेकिन जो पिछला मुकाबला खेला था उसके अंदर इन्होंने अच्छे खासे रन भी बनाए थे, और काफी एक्सपीरियंस खिलाड़ी है, T20 मैचों के अंदर ये चल ही जाते हैं, बिल्कुल कम चांस में ये फ्लॉप होते हैं, तो इसीलिए भाई बेस्ट खिलाड़ी जो अब की बार होगा वो आपके लिए यशस्वी जायसवाल होने वाला है, तो भाई इसीलिए आप यहाँ पे शुभमन गिल को ड्रॉप आउट करके यशस्वी जायसवाल पे जा सकते हो, जो कि भाई आपके लिए एक यूनिक खिलाड़ी होने वाला है। बाकी गाइस ऋतुराज गायकवाड़ लगातार दो मुकाबलों से काफी जबरदस्त परफॉर्मेंस करते हुए आ रहे हैं और अच्छे खासे रन भी बना रहे हैं, और इस वाले मुकाबले के अंदर भी टिकने के पूरे चांसेस है ऋतुराज गायकवाड़ के, तो इसीलिए आप गायकवाड़ को तो इस बार जरूर से लेके चलना। बाकी नीचे आपको रिंकू सिंह देखने को मिल जाएंगे, रिंकू सिंह को आप छोड़ के चल सकते हो, अब की बार ये ज्यादा इंपोर्टेंट खिलाड़ी आपके लिए नहीं होने वाले हैं, और बैटिंग ऑर्डर की अगर बात भी की जाए तो भी भाई संजू सैमसन से ये नीचे बैटिंग करने आने वाले हैं, और इनसे पहले संजू सैमसन बैटिंग करेंगे, तो इसीलिए भाई अगर संजू सैमसन टिक जाएंगे तो भाई यहाँ पे बैटिंग आना इनकी भी मुश्किल होने वाली है, तो इसीलिए अगर आप रिंकू सिंह को ड्रॉप आउट भी करना चाहो तो भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं रहेगी। बाकी पिछले मुकाबले के अंदर भाई मधुवीरा का विकेट जल्दी चटक गया था, लेकिन बीच वाला जो मुकाबला देखा गया था उसके अंदर आपने देखा है किस तरीके से इन्होंने जबरदस्त रन बनाए थे, और इस वाले मुकाबले के अंदर टिकने की कोशिश यहाँ पे मधुवीरा भी पूरी करने वाले हैं, क्योंकि जीतना ये मुकाबला काफी जरूरी है जिम्बाब्वे के लिए, तो इसीलिए भाई आप इनको लेके चल सकते हो। बाकी यहाँ पे इनोसेंट काया नहीं खेलने वाले, छोड़ के चल लेना, सुम्बा को भी आप छोड़ के चल लेना, ज्यादा इंपोर्टेंट खिलाड़ी नहीं होंगे, रियान पराग के भी लाइनअप में आने के चांसेस कम है तो भाई हम इनको भी छोड़ के चलेंगे, और कैम्बल को भी छोड़ के चलने वाले हैं। बाकी नीचे आपको यहाँ पे माइट्स देखने को मिल जाएंगे, पिछले मुकाबले के अंदर इन्होंने अच्छे खासे रन बनाए थे, लेकिन इस बार ये फ्लॉप जाने वाले हैं, तो भाई आप इनको छोड़ के चल लेना, ज्यादा इंपोर्टेंट खिलाड़ी नहीं होने वाले हैं, क्योंकि अब की बार सिकंदर रजा का जो बैट है वो चलेगा, तो इसीलिए भाई यहाँ पे माइट्स को आप छोड़ के चल लेना। बाकी बैटिंग वाले सेक्शन में आपके लिए इंपोर्टेंट खिलाड़ी कौन सा है, ड्रॉप आउट किसको करना है वो मैंने आपको सारा कुछ डिटेल से बता ही दिया है। बाकी क्या जो खिलाड़ी मैंने बताया है इनमें से हमको किसी खिलाड़ी को सीवीसी क्रिएट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए वो मैं आपको वीडियो का आगे बता दूंगा। बाकी अब मैं आपको बता देता हूँ कि भाई ऑलराउंडर वाले सेक्शन में कौन सा खिलाड़ी फ्लॉप जाने वाला है और कौन सा खिलाड़ी बेस्ट परफॉर्मेंस करेगा, लेकिन उससे पहले चलिए अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि कैसे आप जीत सकते हो ग्रैंड लीग, वो भी सिर्फ ₹1 में। 13 जुलाई को T20 मैच है इंडिया और जिम्बाब्वे के बीच। मैच से पहले डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से डाउनलोड करें My11 सर्कल ऐप और अभी जाके टीम बनाओ, डाउनलोड करने के बाद रजिस्टर करो, और रजिस्टर करने के 1 घंटे के अंदर अंदर अगर आप मेगा कॉन्टेस्ट ज्वाइन करते हो तो भाई आपकी एंट्री फीस होगी सिर्फ ₹1। आप 5 मेगा कॉन्टेस्ट ज्वाइन कर सकते हो वो भी सिर्फ ₹1 में, मतलब 5 टीम सिर्फ ₹5 में, और आपको मिलेगा मौका ग्रैंड लीग जीतने का, जिसमें फर्स्ट प्राइज में ही मिलेगा आपको टाटा SUV एंड ह्यूज कैश प्राइज, और एक से अधिक टीम बना सकते हो। अगर आप ज्यादा टीम बनाओगे तो भाई
जीतने के चांसेस भी आपके ज्यादा होंगे। और इतना ही नहीं, डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से अगर आप डाउनलोड करते हो और मेरा कूपन कोड यूज करते हो तो भाई आपके फर्स्ट डिपॉजिट के ऊपर आपको 20% का एक्स्ट्रा रियल केस भी मिलेगा। मतलब अगर आपका फर्स्ट डिपॉजिट 1000 का है तो भाई यहाँ पर आपको 1200 मिलेंगे और साथ ही मिलेगा 1500 रुपए का केस बोनस भी। तो मैंने तो अपनी टीम बना ली है माई 11 सर्कल ऐप के ऊपर इंडिया वर्सेस जिम्बाब्वे मैच के लिए। आप भी जाके जरूर से बनाना। माई 11 सर्कल ऐप का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि भाई ऑलराउंडर वाले सेक्शन में कौन सा खिलाड़ी फ्लॉप जाएगा और कौन सा खिलाड़ी बेस्ट परफॉर्मेंस करेगा। ऊपरी पर देखोगे तो यहाँ पर आपको सिकंदर रजा देखने को मिल जाएंगे, अभिषेक शर्मा देखने को मिल जाएंगे, इसके बाद शिवम दुबे देखने को मिल जाएंगे, वॉशिंगटन सुंदर देखने को मिल जाएंगे, बेनेंट देखने को मिल जाएंगे। इसके बाद ये दो खिलाड़ी भाई जिम्बाब्वे के नहीं खेलने वाले हैं तो हम इनको छोड़ के ही चलेंगे। अब ये सारे के सारे खिलाड़ी आपको ऑलराउंडर से देखने को मिल जाते हैं। अब इन सारे खिलाड़ियों में से फ्लॉप कौन सा जाएगा, बेस्ट खिलाड़ी कौन सा होगा, वो मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं सिकंदर रजा की। लगातार 3 मुकाबले सिकंदर रजा ने भी खेले हैं, जिनमें से पिछले मुकाबले के अंदर भी सिकंदर रजा ने काफी अच्छा परफॉर्मेंस किया था। और सिकंदर रजा की एक बेस्ट एडवांटेज ये भी है कि भाई ये बॉलिंग और बैटिंग दोनों ही काफी जबरदस्त करते हैं और बैटिंग ऑर्डर जो है वो इनका काफी बेस्ट है। मतलब दूसरे तीसरे नंबर पे ये बैटिंग करने भी आ जाते हैं और बॉलिंग के तो ये इनके पूरे ओवर डालते ही डालते हैं। तो ये बॉलिंग से भी पॉइंट देते हैं और बैटिंग से भी पॉइंट देते हैं। तो इसीलिए भाई यहाँ पे इस बार भी आपके लिए इंपॉर्टेंट खिलाड़ी सिकंदर रजा होने वाले हैं। इनकी बॉलिंग बैटिंग दोनों ही काफी जबरदस्त होगी क्योंकि भाई जिम्बाब्वे को ये मुकाबला जीतना काफी ज्यादा जरूरी होगा। तो इसीलिए भाई पूरी कोशिश करने वाले हैं अब की बार भी। तो इसीलिए भाई सिकंदर रजा को भी आप इस बार जरूर से लेके चलना जो कि भाई आपके लिए बेस्ट खिलाड़ी होने वाला है। बाकी अभिषेक शर्मा को काफी सारे लोग ड्रॉप आउट भी कर सकते हैं क्योंकि भाई पिछले मुकाबले के अंदर इनका विकेट जल्दी निकल गया था, लेकिन अब की बार एक बेस्ट खिलाड़ी जो होगा इंडिया की तरफ से वो अभिषेक शर्मा होने वाला है। आपको बताइए कि अब की बार शुभमन गिल की विकेट जल्दी निकलने वाली है और यशस्वी जायसवाल और ऋतुराज गायकवाड़ भी ज्यादा लंबी पारी नहीं खेलेंगे। तो इसीलिए भाई अभिषेक शर्मा चलने वाला है अब की बार। तो भाई आप अपनी हर टीम के अंदर अभिषेक शर्मा को भी जरूर से लेके चलना जो कि भाई आपके लिए एक बेस्ट खिलाड़ी होने वाला है। बाकी शिवम दुबे को आप छोड़ के चल सकते हो क्योंकि भाई पिछले मुकाबले के अंदर ज्यादा कुछ खास परफॉर्मेंस इन्होंने नहीं किया है। बैटिंग ऑर्डर की बात की जाए तो भाई काफी ज्यादा नीचे है, तो इसीलिए भाई बैटिंग करने ज्यादा लेट आने वाला है। जब तक इनकी बैटिंग आएगी ओवर ही खत्म हो जाएंगे। बाकी वॉशिंगटन सुंदर की बात की जाए तो भाई पिछले मुकाबले के अंदर काफी जबरदस्त इन्होंने विकेटें भी चटकाई है और अब की बार भी वॉशिंगटन सुंदर परफॉर्मेंस तो करने वाले हैं लेकिन ज्यादा परफॉर्मेंस नहीं कर पाएंगे। जिस तरीके से पिछले मुकाबले के अंदर विकेटें चटकाई है उतनी विकेटें ये नहीं चटका पाएंगे। हाँ, ये एक या फिर दो विकेट आराम से चटका सकते हैं क्योंकि फॉर्म अच्छी चल रही है, तो भाई बॉलिंग पे भी इनको लगाने वाले हैं। तो इसीलिए भाई एक दो विकेट चटकाएंगे, ज्यादा विकेटें नहीं चटकाएंगे। तो इसीलिए आप इनको सीवीसी के लिए अगर आप जा रहे हो तो भाई आप इनको छोड़ के चल लेना। बाकी पिछले मुकाबले के अंदर बेनेंट की बात की जाए तो भाई ना तो ये बॉलिंग से चले थे ना ही ये बैटिंग से चले थे, लेकिन उनसे पहले जो दो मुकाबले देखे जाए फर्स्ट और सेकंड उसके अंदर भाई परफॉर्मेंस इन्होंने भी काफी अच्छी की है और बैटिंग ऑर्डर जो है वो इनका काफी जबरदस्त है। पहले या फिर दूसरे नंबर पे बैटिंग करने भी आ जाता है और बॉलिंग ये अपने पूरे ओवर डालते हैं। तो इसीलिए भाई इंपॉर्टेंट खिलाड़ी यहां पे बेनेंट होने वाले हैं, तो भाई आप इनको जरूर से लेके चला। बाकी नीचे के दो खिलाड़ियों को फिलहाल मैं यहां पे छोड़ के ही चलूंगा जो कि भाई ज्यादा इंपॉर्टेंट खिलाड़ी हमारे लिए नहीं होने वाले हैं। बाकी फिलहाल ऑलराउंडर वाले सेक्शन में कौन सा खिलाड़ी फ्लॉप जाएगा, बेस्ट खिलाड़ी कौन सा होगा, वो तो मैंने आपको डिटेल से बता ही दिया है। बाकी क्या इन सभी खिलाड़ियों में से हमको किसी खिलाड़ी को सीवीसी क्रिएट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए वो मैं आपको वीडियो का आगे बता दूंगा। बाकी अब मैं आपको बता देता हूं कि बॉलिंग वाले सेक्शन में कौन सा खिलाड़ी फ्लॉप जाएगा और कौन सा खिलाड़ी बेस्ट परफॉर्मेंस करेगा। ऊपरी पर देखोगे तो यहां पर आपको रवि बिश्नोई देखने को मिल जाएंगे, मुजरबानी देखने को मिल जाएंगे, नागारावा देखने को मिल जाएंगे, इसके बाद आवेश खान देखने को मिल जाएंगे, मसाकाजा देखने को मिल जाएंगे, इसके बाद खलील अहमद देखने को मिल जाएंगे, चतारा देखने को मिल जाएंगे, मुकेश कुमार के खेलने के चांसेस कम हो सकते हैं क्योंकि नए खिलाड़ियों को खिला रहे इसलिए। बाकी नीचे आपको जोंगवे देखने को मिल जाएंगे और ये दो खिलाड़ी भी नहीं खेलने वाले हैं। अब ये सारे के सारे खिलाड़ी आपको बॉलिंग से देखने को मिल जाते हैं। अब इनमें से इंपॉर्टेंट खिलाड़ी कौन सा होगा वो मैं आपको बता देता हूं जिसको आप ग्रैंडली की टीम के अंदर लेके चल सकते हो। पहला जो खिलाड़ी आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा वो यहाँ पर रवि बिश्नोई होने वाला है। पिछले मुकाबले के अंदर भले ये फ्लॉप गए थे, ज्यादा कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं कर पाया था, लेकिन फॉर्म इनकी भी काफी जबरदस्त चल रही है। तो भाई इनको तो आप अपनी हर टीम के अंदर लेके चल सकते हो। और लगातार 3 मुकाबले से मुजरबानी की बात की जाए तो भाई ये भी विकेटें चटका रहे हैं, एक भी मुकाबला ऐसा नहीं गया था जिसके अंदर ये फ्लॉप चले जाए, ऐसा अभी तक इनके साथ में नहीं हुआ है। तीनों ही मुकाबले खेले हैं, तीनों ही मुकाबलों के अंदर विकेटें जरूर इन्होंने निकाली है। एक्सपीरियंस खिलाड़ी है, तेज गेंदबाज है, तो भाई आप इनको जरूर से लेके चलना। बाकी नागारावा को हम यहाँ पे छोड़ के चलने वाले हैं। इंडिया की तरफ से मैं आवेश खान को लेके चलूंगा और यहाँ पे मसाकाजा को भी यहाँ पे छोड़ के चलने वाला हूँ। और यहाँ पे मैं दो ऐसे खिलाड़ी बताने वाला हूँ, अगर आप ज्यादा टीमें बना रहे हो तो भाई आप अपनी टीमों के अंदर इन खिलाड़ियों को तो जरूर इंक्लूड कर लेना क्योंकि भाई बिल्कुल कम लोग इनको लेके चलने वाले हैं क्योंकि फॉर्म उतनी ज्यादा कुछ खास नहीं चली थी इनकी। लेकिन भाई चतारा की बात की जाए तो भाई फर्स्ट मुकाबले के अंदर इंडिया की सबसे ज्यादा विकेटें इन्होंने ही निकाली है। और खलील अहमद की बात की जाए तो भाई
भाई रिकॉर्ड इनके आईपीएल के काफी जबरदस्त है। इस टी20 के अंदर तो भाई ये नहीं चले थे, लेकिन आईपीएल के रिकॉर्ड काफी जबरदस्त है, क्योंकि ये जो दो खिलाड़ी है ये इस बार धमाल कर सकते हैं अच्छी खासी, तो इसीलिए भाई इनको तो याद जरूर से रखना। बाकी नीचे के कई सारे खिलाड़ी लाइनअप में नहीं आने वाले, तो हम इनको छोड़ के चलेंगे। बाकी इंपोर्टेंट खिलाड़ी बॉलिंग से कौन सा होगा, अब की बार छोड़ना किसको है वो मैंने आपको डिटेल से बताई दिया है, और लगभग सारे सेक्शन से बता दिया है कि कौन से सेक्शन से कौन सा प्लेयर आपके लिए इंपोर्टेंट होगा और कौन से प्लेयर को आपको ड्रॉप आउट करना चाहिए। बाकी अब मैं आपको ग्रैंडली की रिक्शा टीम भी बना के बता देता हूं, जो कि आपको काफी ज्यादा हेल्प भी करेगी। तो गाइस फिलहाल हमारा जो ग्रैंडली का कॉम्बिनेशन कुछ इस तरीके से होने वाला है, जो कि यहां पर आप देख सकते हो। विकेट कीपर वाले सेक्शन में मैंने यहां पर दो खिलाड़ियों को लिया है, दो खिलाड़ी मैंने बैटिंग से लिया है, चार खिलाड़ी मैंने ऑलराउंडर से लिया है और तीन खिलाड़ी मैंने बॉलिंग वाले सेक्शन में लिया है। तो भाई कुछ इस तरीके का कॉम्बिनेशन आप जरूर से बनाना, जो कि भाई आपके लिए काफी ज्यादा हेल्प करने वाला है। बाकी सीबीसी की बात की जाए तो भाई अभिषेक शर्मा को मैं कैप्टन बनाने वाला हूं, और वाइस कैप्टन की अगर बात की जाए तो भाई सिकंदर रजा को बनाने वाला हूं। ये दो खिलाड़ी भाई सीबीसी के लिए बेस्ट होने वाले हैं अब की बार, तो आप इनको भी सीबीसी बना के चल सकते हो, जो कि भाई आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, और कुछ इस तरीके का भी कॉम्बिनेशन बना के चल सकते हो। बाकी ये वाला कॉम्बिनेशन हमारा फाइनल नहीं है, लाइनअप आने के बाद कुछ भी अपडेट होता है इस कॉम्बिनेशन के अंदर, तो वो सारा का सारा अपडेट आपको टेलीग्राम पे मिलेगा। फाइनल जो टीम रहेगी वो भी आपको टेलीग्राम पे ही मिलेगी, तो भाई टेलीग्राम को जरूर से ज्वाइन कर लेना, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी ये वाली वीडियो और ये वाली इंफॉर्मेशन कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर से बताना, और अगर आपने माय 11 सर्कल ऐप डाउनलोड नहीं किया तो भाई डिस्क्रिप्शन में लिंक है, फटाफट से जाके डाउनलोड कर लेना, क्योंकि भाई ₹1 में ग्रैंडली खेलने का आपको मौका मिल रहा है। साथ ही साथ अपना फर्स्ट डिपॉजिट करोगे तो भाई 20% का भी एक्स्ट्रा रियल कैश मिलने वाला है, और कंपटीशन कम है तो भाई जीतने के चांसेस यहाँ पे ज्यादा ही होता है, और साथ ही साथ आपको 1500 का बोनस भी मिलने वाला है, तो इसीलिए भाई ऑफर काफी जबरदस्त है। तो भाई जाओ माय 11 सर्कल ऐप डाउनलोड करो, और आज के जो मुकाबले की टीम बनाओ ये माय 11 सर्कल ऐप के ऊपर ही बनाओ। ताकि ये वाली वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, लाइक का टारगेट दिया था वो जरूर पूरा करना। इस वाली वीडियो को यहीं पे एंड करेंगे, मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।